महासमुंद जिले में लगातार तस्करी के मामले सामने आ रहे हैं। उड़ीसा से सटे ग्राम टेमरी में गाड़ियों की सघन चेकिंग की जा रही है। चार महीने में 2 दर्जन से ज्यादा मामले शराब और गांजा तस्करी के सामने आए हैं। ऐसा ही मामला गुरुवार टेमरी नाका में सामने आया है, जहां पर 2 अलग अलग वाहनों से गांजे की तस्करी की जा रही थी। जब्त गांजे की कीमत लगभग 9 लाख रुपए है। जरिए मुखबिर ईशासाही सूचना मिली थी, आप आज इधर से गांजा की बड़ी खेप आने वाली है। एक पिकअप वैन आई जिसको बारीकी से चेक करने पे उसमें नीचे एक चेम्बर बना हुआ था और उसमें चेक किए तो उसमें तकरीबन 1 क्विंटल 30 किलो वहां पे गांजा बरामद हुआ, जो कि मूलतः तीनों ही दिल्ली के रहने वाले हैं और उन्होंने पहली बार उड़ीसा से माल ले जाना स्वीकार किया। पहली बार ऐसा हुआ कि इसमें अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश हुआ है।